हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड बंद हुआ है 51,876 पे, लगभग 202 रुपए लॉस के साथ। तो चलो एनालिसिस शुरू करते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि गोल्ड अभी भी गेन के साथ ट्रेड कर रहा है, लगभग 2.2%, लगभग 1100 रुपए प्लस हम ट्रेड कर रहे हैं फॉर द मंथ। हमने यहाँ जो है तो लगभग हाई देखा था 55,550 का, और वहाँ से अच्छे खासे करेक्शन के बाद फिर भी हम मंथली चार्ट पे यहाँ जो है तो गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ जो है तो एक फ्रेश बाय सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अभी यहाँ देखना है कि ये क्लोजिंग कहाँ होती है मंथली चार्ट पे। अगर ये क्लोजिंग 51,700 के नीचे हुई तो ये जो है तो ये रिजेक्शन रहेगा और यहाँ से गोल्ड प्राइसेस नीचे आ सकती है। अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, और ये मैं कैलेंडर मंथ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो यहाँ जो है तो एक फ्रेश बाय सिग्नल रहेगा और यहाँ से जो है तो गोल्ड शायद ऊपर के ही लेवल दिखाएगा आने वाले महीनों और सालों में। तो यहाँ करंटली मुझे जो लगता है मेजर सपोर्ट यहाँ, तो वो सपोर्ट है लगभग 50,950 का। अगर उसके ऊपर हम वीकली और मंथली बेसिस पे रहते हैं तो शायद हम जो है तो ऊपर के लेवल देख सकते हैं गोल्ड में। और हो सकता है कि अगर ये जो वॉर की सिचुएशन है और इन्फ्लेशन है, ये बहुत ही ड्रामेटिक टर्न ले लिया इसने, तो हमें 60,000 65,000 और हो सकता है कि पैनिक में 85,000 के भी लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो मंथली चार्ट पे बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे है गोल्ड। यहाँ जो है तो एक तो मेक होगा या फिर ब्रेक होगा। अगर मेक होता है तो बहुत बड़े टारगेट हमें देखने को मिलेंगे गोल्ड में। अगर ब्रेक होता है तो एक डीपर करेक्शन भी आ सकता है जो गोल्ड को 40,000-42,000 के लेवल की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो वहाँ यहाँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह से गोल्ड पैन आउट होता है। करंटली जो है तो प्राइस वाइज, इंडिकेटर वाइज मंथली चार्ट पे बुलिश है। अभी आगे देखना होगा कि ये बुलिशनेस होल्ड कर पाता है नहीं, या फॉलो बाइंग आती है कि नहीं। तो यहाँ मंथली चार्ट पे अभी तो बुलिश दिख रहा है, और यहाँ जो है तो सजेशन रहेगा मेरा बाय ऑन डिप्स का। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो इस साल के सभी टारगेट अचीव कर लिए, और यहाँ जो है तो फिर से गोल्ड जो है तो यहाँ डिप्स देने के बाद इसने 50,900 के अराउंड सपोर्ट लिया है, और फिर से जो है तो ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि इस वीक हमने गोल्ड में लगभग 1% के गेन देखे, लगभग 430 रुपये के गेन के साथ बंद हो रहे हैं। तो ये अर्ली रिवर्सल साइन है, और हो सकता है कि हम गोल्ड में आने वाले समय में 56,000 और उसके ऊपर के भी लेवल देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट भी मुझे बुलिश लग रहा है। यहाँ जो है तो मेजर सपोर्ट रहेगा 25,900 का, उसके ऊपर जो है तो लॉन्ग व्यू रखना है आपको गोल्ड पे। आपके जो टारगेट रहेंगे 52,800 और उसके बाद में 56,000, तो ये मीडियम टर्म टारगेट है गोल्ड के लिए। और यहाँ मेरा एज पर वीकली चार्ट बुलिश व्यू रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते की जो कैंडल है वो क्लियरली दिखा रही है कि हम जो है तो हेल्दी करेक्शन के बाद फिर से जो है तो फ्रेश हाई बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा, 50,900 का सपोर्ट रहेगा, उसके अराउंड बाय करना है आपको। स्टॉप लॉस जो है, अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो 50,500 का स्टॉप लॉस, 300-400 पॉइंट की रिस्क है। आपका जो टारगेट रहेगा वो 52,800, तो उस लेवल से आपको लगभग 2,000 प्लस पॉइंट के गेंस, तो 1:4 प्लस के जो है तो रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। और लंबा टारगेट रखेंगे तो 56,000 भी हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट भी बुलिश दिख रहा है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने शुरुआत जो है तो पिवट के ऊपर की थी, हमने पिवट को टच भी नहीं किया, तो वहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और बाइंग के साथ हमने सभी टारगेट अचीव कर लिया। फिर एक डीपर करेक्शन देखा, और डीपर करेक्शन के बाद में जो है तो अभी बाउंस बैक मोड में गोल्ड चल रहा है। तो डेली चार्ट पे इंडिकेटर वाइज बेरिश लग रहा है, मगर मुझे लगता है कि जब तक हम 20 दिन का जो एवरेज है और वो लेवल है लगभग 51,600 का, तो उसके ऊपर जब तक है मुझे लगता है कि गोल्ड पे लॉन्ग व्यू बना के रखना चाहिए, और उसके अराउंड बाय करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 53,000, मिनिमम 53,000 तक मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है।
और वो अगर बाय में कन्वर्ट हो गया तो हम जो है तो फिर से 56,000 का हाई जो है तो गोल्ड में लगते हुए देख सकते हैं आने वाले महीनों में। तो यहाँ मेरा डेली चार्ट पे भी लॉन्ग व्यू रहेगा गोल्ड पे। मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन और ये बाकी की चीज़ें जो है तो गोल्ड के प्राइजेस को इम्पैक्ट करेगी और यहाँ जो है तो शायद हम ऊपर के ही लेवल आते हुए देख सकेंगे। तो यहाँ जब तक 51,600 के ऊपर है गोल्ड तो उसके अराउंड हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 51,300 के नीचे। यहाँ जो मेजर लो बनाया था वो था लगभग 51,200 का, एक डीपर स्टॉप लॉस रख सकते हो और 600 के अराउंड आपको बाय करना है। तो यहाँ 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट रहेगा 53,000 का एज पर डेली चार्ट। तो यहाँ गोल्ड पे मुझे बुलिश ही लग रहा है डेली, वीकली और मंथली पे। और यहाँ मुझे लगता है कि हम जो है तो आने वाले समय में शॉर्ट टू मीडियम टर्म और लॉन्गर टर्म में हम फिर से ऊपर के लेवल देख सकते हैं। यहाँ मगर आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लीजिए या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड लीजिए, आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करते हो तो आपको जो है तो ये ट्रेड स्किप कर दीजिए, नहीं चाहिए क्योंकि ये हाई रिस्क ट्रेड है। यहाँ जो है तो कभी न्यूज़ फ्लो अच्छा आ गया मार्केट के लिए, इक्विटी के लिए, तो गोल्ड में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ करंटली मुझे गोल्ड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए लॉन्ग लग रहा है और यहाँ हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप्स रहेगी। शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 53,000 तक गोल्ड जो है तो बाउंस बैक कर सकता है। एज पर वीकली चार्ट जो टारगेट बनते हैं वो बनते हैं 52,600 800 और उसके बाद में 56,000 के। मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ जो है तो पॉसिबिलिटी है कि हम जो है तो जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस कर दें और 60-65,000 के जो लेवल है वो शायद गोल्ड दिखा सकता है। तो मगर यहाँ आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना होगा। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो अभी तो लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।